इन दो कलर में से कौन से कलर ज्यादा बेस्ट है ड्राइंग बनाने के लिए आज मैं यही देखने वाला हूँ। ये है स्केच कलर, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है कैमल के वैक्स क्रेयॉन, इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। एक ड्राइंग शीट को दो पार्ट में डिवाइड करके एक तरफ स्केच दूसरी तरफ कैमल क्रेयॉन्स लिख लेता हूं। फिर मैं सोचने लगता हूं क्या बनाऊं। जब भी मेरे माइंड में आता क्यों ना आज एक वो चीज बनाई जाए जिसकी कहानी हमने बचपन में बहुत ज्यादा सुनी है। देखो मैं अपनी बताऊं तो मैंने तो इसकी कहानियां बहुत ही ज्यादा सुनी है। मेरे को तो लगता था ये रियल में होता है लेकिन एक्चुअल में रियल में नहीं होता है। और देखते देखते बन के तैयार हो गया था। अब बात थी इसमें कलर करने की। सबसे पहले मैं स्केच कलर से इसमें कलर करने वाला हूँ। वैसे तो स्केच कलर मुझे आउटलाइन करने में ज्यादा पसंद है क्योंकि स्केच कलर बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। बट कोई नहीं, मैंने टाइम देकर इस ड्राइंग में फिल कर लिया। अब बात थी कैमल के वैक्स क्रेयॉन से इसमें कलर करने की। वैक्स क्रेयॉन से कलर करते वक्त बहुत ज्यादा वैक्स निकलता है, इसलिए मुझे तो प्लास्टिक क्रेयॉन ज्यादा पसंद। अब बात थी आउटलाइन करने की। क्रेयॉन कलर वाली ड्राइंग को मैंने पहले से आउटलाइन कर लिया था। अब बात थी सिर्फ और सिर्फ स्केच कलर वाली ड्राइंग को आउटलाइन करने की। और देखते देखते आउटलाइन हो चुकी थी। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।